नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 7:11 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल चतुर्दशी तिथि चल रही है। आज रात 8:58 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 12:14 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। आज मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्ती किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 17 दिसंबर की सुबह 7:07 से शाम 5:34 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर 12:14 से कल सुबह 6:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से सुबह 7:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:34 से सुबह 7:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 8:10 से सुबह 9:20 तक, और एक बार फिर दोपहर 11:03 से दोपहर 11:44 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 दिसंबर की सुबह 7:35 से सुबह 7:54 तक, और एक बार फिर सुबह 9:58 से दोपहर 11:35 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 15 दिसंबर की सुबह 8:10 से सुबह 9:20 तक, और एक बार फिर दोपहर 11:03 से शाम 5:26 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 13 दिसंबर की दोपहर 11:11 से दोपहर बाद 3:38 तक, और एक बार फिर शाम 5:34 से रात 12:26 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 7:43 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 8:20 से सुबह 9:38 तक। मुंबई सुबह 8:23 से सुबह 9:46 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:25 से सुबह 9:42 तक। लखनऊ सुबह 8:03 से सुबह 9:21 तक। भोपाल
सुबह 8:11 से सुबह 9:31 तक, कोलकाता सुबह 7:26 से 8:47 तक, अहमदाबाद सुबह 8:30 से सुबह 9:50 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:45 से सुबह 9:10 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को और भी खुशनुमा बनाए रखेगा। साथ ही आपकी निजी लाइफ बेहतर रहेगी। आज आपके विरोधी आपसे काम में आपकी राय मांगेंगे। सरकारी विभाग के लोगों को नौकरी में सुखद परिवर्तन नजर आएगा। ट्रांसफर से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा। दाम्पत्य जीवन में शांति का वातावरण बना रहेगा। इस राशि के लवमेट आज घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज किसी काम के सिलसिले में भागदौड़ करेंगे। इस राशि के छात्र जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। आज दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपकी बातों से दोस्त प्रभावित होंगे। गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा। व्यापारियों को आज अधिकतम लाभ होगा। आज आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। ऑफिस के रुके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगे। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को आज जॉब पाने के कई अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में प्रयासरत छात्रों को जल्द ही सफलता मिलेगी। आज रास्ते पर किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिलेगा। इससे आपको बेहद खुशी मिलेगी। आज किसी सामान की EMI पूरी हो जाएगी। कोई नया सामान लेने का मन बनाएंगे। आज बच्चे आपसे किसी निर्णय में आपकी मदद आपकी राय मांगेंगे। आज ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। स्वास्थ्य के नज़रिए से आज का दिन अच्छा रहेगा। आप दूसरों के साथ बेहद व्यावहारिक रहेंगे। अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारियों को लाभ के योग बन रहे हैं। आज अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे, जिसमें उनके साथ खूब एंजॉय करेंगे। आज शाम का डिनर बाहर करेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर की परेशानियां खत्म होंगी। आज व्यापार में सफलता के अनेक अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा। पारिवारिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए आज का दिन अच्छा है। घर में सभी के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। लवमेट आज एक दूसरे को उपहार देंगे। इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। आज आपका मन किसी रचनात्मक कार्य में लगेगा। आज लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। होटल के कारोबारियों को आज रोज की अपेक्षा ज्यादा लाभ होने वाला है। साथ ही आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनेगा। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लवमेट आज काफी दिनों बाद कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग लेकर आया है। काफी समय से किसी बात से परेशान लोग आज उसका समाधान, समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को अपनी नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। आपकी बात करने की कला से लोग प्रभावित होंगे। आपकी तरक्की के चांसेस बढ़ेंगे। परिवार में एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ेंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहने वाला है। इस राशि के कपड़ा व्यापारी अपने कारोबार को और आगे तक ले जाने का विचार करेंगे। आज की गई मेहनत का पूरा फायदा आपको मिलेगा। घर के काम को समय से निपटा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9।
तुला राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कारोबार में अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। आज कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। आज बच्चों के साथ समय बिताएंगे, बच्चों के मन की बातों को समझेंगे। आज बाहर के ऑयली खाने को जहां तक हो सके अवॉइड करें। आज बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम होंगे। बस आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत है। दोस्तों के साथ आज मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। बुजुर्गों को अपनी सेहत में बदलाव नजर आएगा। आज आपको बेहतर महसूस होगा। आज अपनी गलतियों को सुधारने का दिन है। आपको कुछ कामों में कन्फ्यूजन हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहने वाला है। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। छात्रों का आज पढ़ाई में मन लगेगा, साथ ही किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आज किसी को दिए रुपए आपको वापस मिलेंगे। अपने रुके कार्य को पूरी मेहनत से आज पूरा कर लेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द बढ़ेगा। साथ ही बच्चों के साथ पिकनिक का प्रोग्राम बना सकते हैं। बॉस आपकी मेहनत से खुश होंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए दोस्तों से बहुत अच्छे सुझाव मिलेंगे। आज सामाजिक कार्यक्रम में किसी से मिलने जाना पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे। इस राशि के राजनीति से जुड़े लोगों को अन्य लोगों का समर्थन मिलेगा। लोग आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। अपने बिजी दिन में कुछ समय अपने लिए भी निकालेंगे। उस समय में आप अपना पसंदीदा कार्य करेंगे। आज आप अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग मॉल भी जाएंगे, जहां काफ़ी खुश नजर आएंगे। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द की वृद्धि होगी। आज आपका स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त रहेगा। आज आप मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशी से भरा रहेगा। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं, कुछ इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है, इसको पूरा कीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्रमोशन के अच्छे चांसेस मिलेंगे। आज बेटी के परीक्षा का अच्छे रिजल्ट से पारिवारिक माहौल खुशनुमा बनेगा। आज आपकी टेंशन कम होगी। आपको किसी रिश्तेदार को दिया धन वापस मिल जाएगा। साथ ही अधूरी कार्य योजनाओं को पूरा करने में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। जीवन की नकारात्मकता दूर होगी। आज सोशल मीडिया पर आपकी किसी पोस्ट को ज़्यादा लाइक मिलेगा। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा, जिससे पूरे दिन आप खुश रहेंगे। आज आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी भी अवसर को हाथ से जाने न दीजिए। आज आपकी कोशिशें कामयाब होंगी। आप पिता की जिम्मेदारियों को निभाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज व्यापार में स्थिति अनुकूल बनी रहेगी। इस राशि के डिप्लोमा के छात्रों को सफलता तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी। आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की तारीफ होगी। लोगों में सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। पेट की समस्या से परेशान लोगों को ऑयली खाने से बचना चाहिए। आज संतान पक्ष से सुखद अनुभूति होगी। आज आपको आमदनी के स्रोत मिलेंगे। आज बड़ों की सलाह मिलेगी। साथ ही आपका अच्छा संपर्क जुड़ेगा। आपको हर कदम पर दोस्तों का सहयोग मिलेगा। आज किसी सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों से गिफ्ट मिल सकती है। पहले किए गए हुए कार्यों का आज आपको अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें और जिनकी आज और ये मिश्री सनसेट होते समय खा लें, वरना हम कहते हैं जेब में मिश्री रखें। अब लोग बड़े परेशान रहते हैं कि बाद में इस मिश्री का क्या करें, तो इसको सुबह रखिए, शाम के समय खा लीजिए। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है
वो आज अपने इष्ट देव का स्मरण करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक एक वालों, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक दो, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा, कोई जरूरी काम पूरा होगा। मूलांक तीन, आत्मविश्वास से आज जो भी फैसला करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मूलांक चार, आज आपको ज़्यादा भावुक होने से बचना चाहिए, नहीं तो काम पर असर पड़ेगा। मूलांक पाँच, आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, आज आप कुछ नए विचारों पर काम कर सकते हैं। मूलांक छः, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगे। मूलांक सात, कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सफलता दिलाने वाला होगा। मूलांक आठ, अगर अपने वाहन की सर्विसिंग करवाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक नौ, बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते बनेंगे, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। जिन लोगों को मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता या प्रसिद्धि नहीं मिल पाती, उन्हें अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। वास्तु के अनुसार पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। सफलता और प्रसिद्धि के लिए चिड़ियों की तस्वीरों को पक्षियों की तस्वीर को पूर्व दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है, और फीनिक्स पक्षी की तस्वीर को तो और भी अच्छा है, क्योंकि फीनिक्स पक्षी सफलता प्रदान करने वाली ऊर्जा, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस काल्पनिक पक्षी की तस्वीर अथवा मूर्ति घर के दक्षिणी भाग में रखने से सफलता के रास्ते में आ रही कठिनाइयों से बाहर निकलने में आसानी होती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन वास्तविकता में फीनिक्स नाम का कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक कल्पनाकृति है जिसे सफलता का एक रूप माना जाता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा, पक्षियों की तस्वीरें हमारे लिए कैसे पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती हैं इस बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 7:11 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल चतुर्दशी तिथि चल रही है। आज रात 8:58 तक सुकर्मा योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस योग में कोई भी शुभ कार्य करना चाहिए। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कार्य शुभ फलदायक होता है। ईश्वर का नाम लेने के लिए या सत्कर्म करने के लिए ये योग अत्यंत उत्तम है। साथ ही आज दोपहर 12:14 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। विशाखा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं जो कि कर्मों का फल देते हैं। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के वृक्ष से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे पूर्व जन्म के हों, कर्मों के हों, इस जन्म के हों, चाहे कर्म के हों, धर्म के हों, श्रम के हों, भ्रम के हों, भय के हों, विचार के हों, सभी बंधनों से जो मुक्त कर दे वही अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलशी में भी ऐसी ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। मौलशी के अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़
उसकी लकड़ी, फल या पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी आमदनी में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज शाम 6:48 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। बता दूं कि भद्रा जिस लोक में स्थित होती है वहीं ज़्यादा प्रभावी रहती है, लिहाजा पाताल की इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा, यानी शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य किए जा सकते हैं। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत की। आज मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को समर्पित मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है। बता दूं कि त्रयोदशी तिथि आज सुबह 7:11 पर समाप्त हो चुकी है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग गई थी जो कि कल सुबह 6:25 तक रहेगी, यानी कि चतुर्दशी तिथि में रात्रिकाल आज ही पड़ रही है, लिहाजा मास शिवरात्रि का व्रत आज की रात ही आज ही किया जाएगा। आज के दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, साथ ही अविवाहित जातक के विवाह में आ रही अड़चने दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज किए जाने वाले मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज अनुराधा नक्षत्र और मास शिवरात्रि व्रत के दिन शिव जी के निमित्त कुछ विशेष उपाय करने तथा शुभ फलों की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करें, उनसे आपके रिश्ते बेहतर बने रहें, तो आज के दिन भगवान शंकर को नारियल अर्पित करना चाहिए, साथ ही भगवान को सूखे मेवे का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उनसे आपका रिश्ता बेहतर बना रहेगा। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं या आप चाहते हैं कि उसे जीवन में एक बेहतर मार्ग मिल जाए तो आज के दिन अपनी संतान के हाथों से किसी जरूरतमंद को काले कंबल का दान करवाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान को जीवन में एक बेहतर मार्ग मिलेगा और उसके भविष्य को लेकर आपकी सारी चिंताएं दूर होंगी। अगर आप अपने जीवन में हर प्रकार से आज़ादी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज अनुराधा नक्षत्र के दौरान आपको मौलसी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, साथ ही उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आसपास मौलसी का पेड़ न मिले तो उसकी फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें, चाहें तो उस फोटो का प्रिंट निकाल कर अपने घर में भी लगा लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में हर प्रकार की आज़ादी मिलेगी। अगर आपके किसी सरकारी कार्य में परेशानियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर बेलपत्रों की माला बनाएं, फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ ही अपने सरकारी कार्यों में परेशानियों को दूर करने के लिए और उन्नति पाने के लिए
दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से विनती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उन्नति में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाएंगी और आपका सरकारी काम जल्द ही बन जाएगा। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाइए और शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाइए। अगर जौ की रोटी न बना सकें तो केवल जौ के दाने चढ़ा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से और आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आप अपनी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शिव समूह के आगे बैठकर इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सफलता के मार्ग में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन साथी के बिजनेस को किसी की नज़र लग गई है जिससे उनके बिजनेस की गति रुक गई है, कम हो गई है, तो आज के दिन आपको काली गुंजा के 11 दाने लेकर उन्हें भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। फिर उन दानों को अपने जीवन साथी को देकर कहें कि आप इन्हें संभाल कर अपने पास रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के बिजनेस को लगी नज़र दूर हो जाएगी और बिजनेस की गति फिर से ठीक हो जाएगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं, आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आपको 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसका ब्रेसलेट बनवाकर हाथ में भी धारण कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानी भी जल्दी ही दूर हो जाएगी। और अगर आपकी अपने पड़ोसियों से बिल्कुल नहीं बनती और किसी किसी बात पर तो आप दोनों लोगों का झगड़ा भी हो सकता है, तो आज के दिन आपको अपने घर के सामने से थोड़ी सी मिट्टी लाकर उस पर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्र का 5 माला यानी 540 बार जप करना चाहिए। इसके बाद उस मिट्टी को वापस वहीं रखाइए जहाँ से आप उसे उठाकर लाए हों। आज के दिन ऐसा करने से धीरे धीरे करके आपकी पड़ोसियों के साथ बनने लगेगी और आपके साथ सब अच्छा होगा। अगर आप अपने बच्चों का जीवन खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको थोड़े से सफ़ेद फूल लेकर उन्हें अपने बच्चों के हाथ से स्पर्श कराना चाहिए और उनकी माला बनाकर भगवान शिव को चढ़ानी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का जीवन खुशहाल बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सुकर्मा योग, अनुराधा नक्षत्र और मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। आज के दिन अलग अलग शुभ फलों के प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, हमने इन सब की चर्चा की। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर इनका फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज किसी जरूरी काम को पूरा करने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। B, जो लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। C, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शाम को किसी पार्क में घूमने जाएंगे। D, जो लोग पत्रकार हैं आज उन्हें पदोन्नति के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। ई, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, साथ ही आपकी कोई योजना भी पूरी होगी। F, अगर आप अपनी दुकान में नया स्टॉक भरना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। G, आज आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई नई योजना बनाएंगे। H, आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। I, आज वाहन चलाते समय अपनी सीट बेल्ट को लगाना मत भूलिएगा, यह आपकी सुरक्षा में बहुत योगदान करता है। J, किसी बात को लेकर आज आप उलझन में रहेंगे लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। K, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ नए अवसर मिलेंगे, ये अवसर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। L, ऑफिस में पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। M,
जीवन साथी से आज उपहार मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। एन, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी। ओ, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, करियर में बेहतरीन बदलाव आएंगे। पी, किसी कार्य में अपनों की मदद मिलेगी जिससे काम जल्दी पूरा होगा। क्यू, आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। आर, परिवार में चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी, सभी लोग प्रसन्न रहेंगे। एस, विरोधी आज मौके की तलाश में रहेंगे, भावनाओं में बहकर किसी को अपना सीक्रेट न बताएं। टी, करियर में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिसका आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। यू, कारोबार में तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे जिससे अच्छा मुनाफा होगा। वी, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। डब्ल्यू, सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल स्थिति बनेगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न होंगे। एक्स, कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे, आपका कारोबार बेहतर ढंग से चलेगा। वाई, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। जेड, आज किसी काम में किसी अनुभवी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कोटिलेश्वर शिव मंदिर के दर्शन। कर्नाटक के कोटेश्वर गांव में स्थापित है। कहा जाता है इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की उपासना की थी। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ भगवान गणेश, सुब्रमण्यम जी, चेष्ट लक्ष्मी, गोपाल कृष्ण और सप्त मातृका के मंदिर भी बने हुए हैं। इस मंदिर में यहाँ एक बहुत बड़ा जलकुंड भी है जिसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले इस कुंड की सफाई के दौरान कई पुरातन मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई थी। लोग दूर दूर से यहां भगवान कोटिलेश्वर के दर्शन करने आते हैं, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार छोटी गर्दन वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ये लोग कम बोलने वाले, मेहनती और कंजूस होते हैं, साथ ही थोड़ी मंदबुद्धि के भी होते हैं कभी कभी, जिसकी वजह से कोई भी इनका आसानी से फ़ायदा उठा लेता है। ये लोग काफ़ी फुर्तीले होते हैं और सभी काम तेज़ी से करते हैं। छोटी गर्दन वाले लोग मनमौजी होते हैं और अपने इरादों के लिए पक्के होते हैं, इसलिए आने वाली समस्याओं का डट कर सामना करते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरते। वैसे तो ये लोग सीधे साधे होते हैं, पर इनके मन मुताबिक कार्य न होने पर गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा छोटी गर्दन वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 11 दिसंबर को मार्शीष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:25 तक रहेगी। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी तिथियों में रविवार, श्राद्ध, किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान बताया गया है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूँ कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज भगवान शिव का पाठ करें, भगवान शिव चालीसा का पाठ करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।